देखिए बारिश की आवाज आपको आ रही होगी, तो हम इतनी तेज बारिश में हमें खाने के लिए मन करता है कुछ हम तला हुआ और टेस्टी स्नैक खाए। तो चलिए स्नैक बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके लिए एकदम टेस्टी और बहुत ही लज्जतदार स्नैक लेकर आई हूँ। जी हाँ, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ साबुदाना वड़ा। तो जिसके लिए हम 3 आलू लिया है और इसे हम अच्छे से धो लेंगे और एक एक करके हम बॉईल पानी में ऐड करते जाएंगे और इसे अच्छे से हम बॉईल कर कर लेंगे। तो कोई भी सब्जी हो, आप पहले उसे अच्छे से वॉश कीजिए और फिर ही पकाने के लिए लीजिए। तो देखिए, हमने ओवरनाइट साबुदाना भिगो कर रख दिया था और ये कितना सॉफ्ट और अच्छा सा भीग चुका है। हमें इसी तरीके का साबुदाना चाहिए। और देखिए, एक एक दाने भी इसके कितने फुले फुले से हो गए हैं और देखिए कितना सॉफ्ट सा लग रहा है ये। तो हमें इसी तरीके का साबुदाना चाहिए साबुदाना वड़े बनाने के लिए। तो अब वड़े बनाने की तैयारी करते हैं हम। तो हम चेक करते हैं कि हमारा आलू गला है या नहीं। तो देखिए, लगभग हमारा आलू रेडी ही है बॉईल होकर। तो इसे हम साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। हम एक पैन रख देंगे गैस पर और गैस की फ्लेम को कर देंगे हम ऑन। और हमने हाफ कप हमने साबु सेंगदाना लिया है जिसे हम रोस्ट कर कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमें रोस्ट करना है और गैस की फ्लेम को करना है हाई पे, क्योंकि हमें झटपट सा बनाना है साबुदाना वड़ा। तो देखिए हमारा सेंगदाना रोस्ट हो चुका है। अब इसे हम एक प्लेट में रख निकाल देंगे ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसके निकाल। तो देखिए, हमने आलू भी छील लिए हैं और इसे हम मैच कर रहे हैं। तो ये अच्छे से मैच हो जाने के बाद में आगे का प्रोसेस करेंगे। तो देखिए, अब इसमें डालने वाले इंग्रेडिएंट, थोड़ा सा हमने कोकोनट लिया है और 3 हरी मिर्ची, थोड़ी सी हमने कोथमीर लिए है। तो अब हम साबुदाना जो हमने भिगो कर रखा था एक बाउल में हम ट्रांसफर कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें करना है। अब हमने सेंगदाने को भी अच्छे से कूट लिया है, इसके सारे छिलके उतार लिए थे हमने, और कोतमीर भी हम ऐड करेंगे, इसे हमने कट कर लिया। हरी मिर्ची को भी हमने कट कर लिया और कोकोनट को भी हमने कट कर लिया। इसी तरीके से हमें सारे इंग्रेडिएंट चाहिए। अब हम इसके अंदर आलू मैच किया हुआ वो भी ऐड कर लेंगे। देखिए कोकोनट हमने सूखा वाला लिया है, आप चाहो तो गीला भी यूज कर सकते हो। देखिए, और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हो, जितना आप नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हो जितना आप चाहो। और इन सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। देखिए अच्छे से मिक्स करना है। अब हम जीरा ऐड करेंगे। जीरा हमने 1 टेबल स्पून लिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से। देखिए इस तरीके से। अभी हाथों को हमें तेल लगाना है और एक बोल गोल लड्डू बनाना है। देखिए इस तरीके से। और दूसरे हाथ से हमें स्प्रेड करना है ताकि एक अच्छी सी गोल टिकिया बन जाए। देखिए इस तरीके से हमें करना है। और साथ ही साथ में हमें हाथों को ऑयल से ग्रीस भी कर लेना है ताकि साबुदाना और जो हमने आलू को आलू चिपके नहीं हाथों पर। इसी तरीके से हम सारे बना लेंगे। तो रेडी है हमारे टिकिया। अब हमने गैस पर कढ़ाई रख दिए है और उसमें ऑयल ऐड करेंगे। देखिए इस तरीके से हमें ऑयल को गरम करना है
और हमें गैस की फ्लेम को हाई पे ही रखना है, स्लो पे नहीं। तो हमें कुरकुरे से वड़े चाहिए। तो देखिए टूथपेस्ट भी हमने ऐड इसमें चेक किया, तो ये ऑयल हमारा परफेक्ट गरम है। हमें इतना ही गरम चाहिए जब भी हमारे वड़े कुरकुरे से बनेंगे। तो एक एक करके हम केयरफुली इसमें वड़े हमारे ऐड करते जाएंगे। देखिए इस तरीके से हमें केयरफुली ऐड करना है। और अब हम दूसरा तरीका भी आपको बताएंगे जिससे हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो पहला प्याज हम इस तरीके से ऐड करते जाएंगे। देखिए अब इसे इतनी देर तक पकाना है कि जब तक ये खुद ब खुद ऊपर तैरने न लगे तब तक हमें इसे पकाना है। ये खुद ब खुद ऊपर आ जाएंगे तो इसका मतलब है ये रेडी है। और ये पूरा पक जाने के बाद में एकदम हल्के फुल्के से बन जाते हैं ये वड़े। ना हमने इसमें मैदा ऐड किया है, ना हमने कॉर्नफ्लावर, ना हमने राइस फ्लोर ऐड किया है। हमने एकदम सादे और इजी तरीके से बनाया है। तो देखिए कैसे ऊपर आ चुके हैं हमारे और इसका कलर भी गोल्डन हो चुका है। तो इसी तरीके के हमें वड़े चाहिए। देखिए अब एकदम केयरफुली हम इसे निकालेंगे। देखिए इस तरीके से आप टिश्यू पेपर पर हम इसे निकाल लेंगे। बहुत ही कुरकुरे बने हैं ये हमारे वड़े और खुशबू भी बहुत अच्छी से आ रही है इसकी। थोड़ा ब्याज हमें स्टार्ट करना है तो चलिए दूसरे तरीके से। देखिए फोक की मदद से हम एक एक वड़ा हम ऑयल में ऐड करते जाएंगे। ये भी बहुत इजी और आसान तरीके का है। इसे डर भी नहीं लगा रहेगा कि ऑयल हमारे हाथों पे उड़ेगा या ऑयल के छींटे उड़ेंगे। तो देखिए ये भी रेडी हो चुका है। कितने इजीली तैर रहा है ये ऑयल पे। तो हमें इसी तरीके का वड़ा चाहिए तो हम इसे भी निकाल लेंगे प्लेट में। तो देखिए रेडी हो चुका है ना साबूदाना वड़ा एकदम इजी और आसान तरीके से। तो आप इसे झटपट बनाने की तैयारी कीजिए। तो मैं इसे डिश आउट कर दिया और इसका अब हम साउंड सुनाते हैं। वाह बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लज्जतदार और बहुत ही कुरकुरा सा बना है ये हमारा साबूदाना वड़ा। एक एक बाइट ही इसका कितना कुरकुरा सा है और बहुत ही टेस्टी और लाजवाब सा बना है। तो देखिए कितना खूबसूरत भी लग रहा है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना और इसे अपने फैमिली फ्रेंड में और रिश्तेदारों में इसे शेयर करना। हमारे वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना दोस्तों, और हमें सपोर्ट करना दोस्तों। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है दोस्तों, ताकि हमारा चैनल भी आगे बढ़े। आपका सपोर्ट होगा तो हमारा चैनल आगे बढ़ेगा कि हम अच्छी अच्छी सी वीडियो आपके लिए लेकर आए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों। देखकर ही आपको नहीं जाना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक लाइक तो बनता है दोस्तों। और हमारे वीडियो को आप कमेंट करके बताना है कि कैसा बना है दोस्तों। तो हमें लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह आपके हमेशा दिली तमन्ना पूरी करे और आपको हमेशा खुश रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन आमीन।
थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब।